डीएवी पब्लिक स्कूल सेल आरएमडी वलानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हमारे विद्यालय के मेधावी छात्र वृंद आपके सामने बदलते जमाने की चलती फिरती तस्वीर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनके अभिनय कौशल और नाटक की मूल संवेदना निश्चित रूप से आपके हृदय को छू जाएगी। चलिए देखते हैं पुराने जमाने और नए जमाने की कुछ झांकियां। माँ, माँ, आज कौवे इतने आवाज क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, कौवे जब घर के आसपास ज्यादा आवाज करे तो ये मेहमानों के आने का संकेत होता है। ठीक ही कहती हो, पर कितने दिन हो गए हमारे यहाँ कोई मेहमान ही नहीं आया। 2 महीने पहले चाची सास आई थी, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। राम राम बिरजू भाई। राम राम बिंदे सर। अच्छा सुनो, फागुन का महीना चल रहा है, तुम अपने भाई को एक चिट्ठी लिख दो ताकि वो यहाँ आ जाए, मेहमानी भी हो जाएगी और होली भी साथ में खेल लेंगे। हाँ माँ, मामा जी को बुला लो, वे जब भी आते हैं मेरे लिए मिठाइयाँ और बताशा लेके आते हैं। अब जमाना बदल चुका है, आज के दौर में अतिथि तुम कब आओगे की प्रथा उसी तरह लुप्त होती जा रही है जिस तरह व्हाइट टाइगर। आज तो अतिथि तुम कब जाओगे या अतिथि तुम नहीं आओगे की प्रथा प्लास्टिक की बोतलों की तरह ही जोर पकड़ रही है। तो आइए देखें नए जमाने का यह सीन। हेलो फूफा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टिंकू, कैसे हो? ठीक हूँ फूफा जी। और बोलो बेटा, क्या चल रहा है? फूफा जी, मेरी कंपटीशन की परीक्षा है और सेंटर बुलानी ही है। कौन सी परीक्षा और कब? जूनियर मैनेजर की, अप्रैल 12 को। बहुत बढ़िया, पर शायद हमें आउट ऑफ स्टेशन निकलना है। ओके, मैं तुम्हारी बुआ से पूछकर तुम्हें अपडेट करता हूँ। ठीक है फूफा जी। अजी सुनती हो? सब सुन चुकी हूँ और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अरे उसकी कंपटीशन की परीक्षा है। अपने बिट्टू की भी तो परीक्षा है। मम्मी, मेरे एग्जाम तो खत्म हो गए थे ना? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, पर लास्ट क्लास में तो मेरे 93% आए थे। पागल औरत। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है क्या? जब देखो तब किसी ना किसी को हमारे यहाँ आना होता है। पर ये उसके करियर का सवाल है। सही है, तो तुम करो अपनी लाइफ कम्युनिटी को डेडिकेट, मुझे मत बोलो। मैं चली देहरादून अपने भाई के यहाँ। अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है, तब तक तुम ही जरा मेहमान नवाजी कर लेना। ऐसे भी आज के दौर में लेडीज एंड जेंट्स आर इक्वल। मम्मी यू आर करेक्ट, लेट्स मूव टू मामा'स हाउस। अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। की बात हो गई पुरानी, अब तो बढ़ने लगे हैं होटल, अब तो बढ़ने लगे हैं लॉज, घर का खाना डिनर बन गया, गुम हो गई प्रीति भोज। माँ, मैं नौकरी लग गई। माँ। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, सचमुच ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी पिताजी, अगले महीने से ही ज्वाइन करना है। अजी बाबू को कुछ पैसे दीजिए, बढ़ने से जाकर जल्दी मिठाई लाओ। बेटा बेटा, पड़ोस के सरोज सर को सबसे पहले मिठाई देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे गणित के पढ़ाई में बहुत ही मदद की थी। और बेटा झन्ना दीदी को मिठाई खिलाना ना भूल जाना, जीके की तैयारी में उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ बताया था। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सबसे पहले उनके चरण स्पर्श कर लेता हूँ। यही तो अच्छे संस्कार होते हैं। पुत्र ने कर दिखाया सबको अपना सपना साकार, मुख्य भूमिका निभा रहे थे माँ बाप के संस्कार। देखा आप लोगों ने?
एक जमाना हुआ करता था जब पड़ोसी कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और आज की दशा आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। धीरे बोलो बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान क्या मतलब? अरे बेटा, अभी तो ओनली रिजल्ट आया है, बात तो खुशी की है, पर अभी दूसरों को मत बताओ। क्यों पापा? आजकल दुश्मनों की कमी नहीं है। क्या पड़ोसी, क्या टीचर, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी दुश्मनी निकाल सकते हैं, अड़ंगे लगा सकते हैं। वो कैसे? पड़ोस के शुक्ला जी तुम्हें याद नहीं, जब तुम्हारे 12वीं में 92% आए थे, उनका तो मुंह ही बन गया था। और परेश मामा, शाबाशी देना तो दूर, उन्होंने तो बात ही करना बंद कर दिया था। हाँ, आप लोग शायद सही कह रहे हैं, अभी तो काउंसलिंग और एडमिशन भी बाकी है। एक समय हुआ करता था जब पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे शुभचिंतक हुआ करते थे, और आज शुभचिंतक की परिभाषा ही बदल गई है। हमारा शुभ होते देख पड़ोसी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगती है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बेटे, आज तुम लोगों ने कौन सा भजन सुना? पिताजी, आज हमने मन की शक्ति और भगवान के महिमा वाले भजन सुने और याद किए। बहुत अच्छा बेटा। पिताजी, माँ गई। आज मंदिर में बहुत ही भक्त थे। माँ, पानी। माँ, गुड। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम दोनों आज के जमाने के श्रवण कुमार हो। एक समय था जब माँ बाप को अपने पुत्रों में श्रवण कुमार दिखाई पड़ता था। वे अपने बच्चों को बुढ़ापे की लकुटी समझा करते थे, पर आज के जमाने में स्थिति ठीक इसके उल्टी हो चुकी है। आज हर माँ यह चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, पर वही माँ यह नहीं चाहती कि उसका पति श्रवण कुमार की भूमिका में थोड़ा भी नजर आए। वाह री दुनिया। गोलू सुनो बेटा, गोलू गोलू। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूँ मैं। अभी तेरा गेम बजाता हूँ, इधर आ। कहाँ भाग रहा है? इधर आ। मम्मी बचाओ, मम्मी मम्मी बचाओ। ये तुम लोग टॉम एंड जेरी का खेल क्यों खेल रहे हो? देखो तुम्हारे बेटे के मोबाइल वाले संस्कार, पूरा एनिमल बन गया है। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे मुंह से ये स्मेल क्या आ रही है? हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। किसने गाया ये गाना?
मैं नहीं तो कौन रे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन रे। आज तो ये घर घर की कहानी बन चुकी है। बाप की बात ना माने बेटा, उसे चाहिए ओनली डेटा। दिन भर आंख गड़ाए रखता है, बैठा हो या फिर लेटा। बच्चों, क्या तुम जानते हो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम भी देश के रक्षा के लिए आत्मबलिदान कर सकते गुरुजी। बहुत अच्छे, और कोई? हम अपने देश के लिए और क्या कर सकते गुरुजी? हर वो काम जिससे देश और जनता का भला होता है, वे सभी काम देश सेवा ही है। ऐसे और क्या क्या काम हो सकते हैं गुरुजी? आस पड़ोस को साफ रखना, धोखाधड़ी ना करना, जाति भेद से दूर रहना, सबको सम्मान देना, आत्महित से पहले जनहित और देशहित के बारे में सोचना, पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे। इतना सुंदर दृश्य, बच्चे देश के विकास के बारे में सोचा करते थे। देश का विकास, सबका विकास, कि यह नीति वर्तमान जगत में आते आते अपना विकास, देश का विकास की नीति में बदल गई है। आइए देखें आज की कक्षा। जिनके मार्क्स 90% से कम है, वे कान खोलकर सुने। 40 बच्चों की क्लास में अगर तुम 90% नहीं ला पा रहे हो, तो 140 करोड़ की आबादी के इस देश में तुम कहाँ टिकोगे? तो सर, हम क्या करें? केवल अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, मार्क्स इज एवरीथिंग। सर, लेकिन थ्री इडियट्स मूवी में तो दैट इज रियल लाइफ, दिस इज रियल लाइफ। अपने आसपास देखो, तुम्हें दो तरह के लोग दिखाई देंगे, जिनमें से एक के पास होता है और दूसरे के पास नहीं होता। तुम क्या बनना चाहते हो? सर, तो क्या एवरेज स्टूडेंट का कोई स्कोप नहीं? एवरेज स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, वे अपना समय दूसरों के सपने को पूरा करने में लगाते हैं, और हर महीने उन्हें जो सैलरी मिलती है वो उस ड्रग DRUG ड्रग की तरह होती है, जिससे वे अपने सपने को भुला सके। मतलब हमें आम नहीं, खास बनना चाहिए। बिल्कुल सही, आम लोग उस भेड़ की तरह होते हैं जो अपने शरीर पर किसी खास व्यक्ति के कंबल के लिए ऊन ढोते रहते हैं। हम समझ गए सर। इन तमाम दृश्यों को देखने के उपरांत यह तो स्वतः ही प्रमाणित है कि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है, परंतु परिवर्तन अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की ओर हो, यही इस नाटक का और हमारा उद्देश्य है।